भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष सीताराम किराड़ के नेतृत्व में बस्ती संपर्क अभियान जाटव बस्ती केशव मंडल सूर्यनगर अलवर में किया गया। किराड़ ने बताया कि बस्ती संपर्क अभियान के मुख्य वक्ता एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री रामकिशन मेघवाल रहे। बस्ती संपर्क में केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। बस्ती संपर्क अभियान 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मोर्चे के द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले उसका प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार की दलित विरोधी नीतियां, कुशासन एवं राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बस्तियों में जाकर के अवगत कराया जाएगा और 2023 के चुनाव में दलित विरोधी सरकार को हर बस्ती में जाकर के उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। बस्ती संपर्क अभियान के मुख्य वक्ता रामकिशन मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। इसी के तहत बाबा साहेब से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ का रूप दिया। बाबा साहब की जन्मभूमि महू को जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चौत्य भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि आदि स्थानों को पंचतीर्थ का दर्जा देकर उनको विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करके बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के खिलाफ पहली बार राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14566 शुरू किया। केंद्र सरकार में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के 12 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करके अनुसूचित जाति समाज को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बस्ती संपर्क अभियान कार्यक्रम संयोजक मंडल अध्यक्ष रिंकू जाटव, जिला महामंत्री त्रिलोक कोहली, जिला मंत्री किरण कुमार, श्री राम पंच विजय जाटव, कैलाश राम प्रसाद, बलवीर, सुमित्रा देवी, बिमला देवी, जम्मू देवी, आशा पंच, रघुवीर बहादुर, किशन लाल आदि लोग बस्ती संपर्क कार्यक्रम में मौजूद रहे।